Hi, this is Sivanjali from MEL. Welcome to MEL Management E-Learning. In this video, we are going to solve MCQ pattern question on marketing analytics. ठीक है, यूनिट वन मार्केटिंग एनालिटिक्स का हम लोग MCQ पैटर्न क्वेश्चन आज देखेंगे. टोटल 30 क्वेश्चन है. अब किस टॉपिक पे बेस है, तो आपका यूनिट वन का जो टॉपिक है बेसिक फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग एनालिटिक्स, मार्केट डेटा सोर्स, स्टेक होल्डर, न्यू रियलिटीज ऑफ मार्केटिंग डिसीजन मेकिंग, मार्केटिंग साइज, मार्केट साइज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मार्केटिंग एनालिटिक्स एंड एप्लीकेशन एंड अप्रोच टॉप डाउन एंड बॉटम अप. तो अगर आपने ये थ्योरी अच्छे से पढ़ा है तो आपके सारे MCQs अच्छे से हो जाएंगे. ये सारे क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीटेटिव अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने साइट से वहाँ से लिए हैं और मैंने गूगल के बहुत सारे साइट से जाके क्वेश्चंस को निकाल के कंबाइल करके यहाँ पे टाइप करके आप लोगों के लिए डाला है. तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, क्योंकि सर्विस मार्केटिंग का मेरे बच्चे जिनको मैं पढ़ाती हूँ वो बोल रहे थे कि मैम आपका अराउंड 40 क्वेश्चन अराउंड आपके ही वीडियो से आया है. आपका ये ह्यूमन वैल्यू से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं. तो मोस्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि गूगल से ही मोस्टली AKTU यूनिवर्सिटी दे रही है. तो मैंने गूगल और कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सबसे कंबाइल करके यहाँ पे क्वेश्चंस डाला है. ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. स्टार्ट करते हैं. आप भी मुझे बता सकते हैं कि आपके क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. ठीक है, ये यहाँ पे 20 नहीं, यहाँ पे 30 होगा. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 30 हैं. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर वन, मार्केटिंग एनालिटिक्स हेल्प मार्केटर इन फॉलोइंग डिसीजन. प्रोडक्ट वेरिएंट दैट कस्टमर विल प्रिफर, प्रोडक्ट फीचर कस्टमर लाइक द मोस्ट एंड प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट. सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट. दिस ऑल मार्केटिंग एनालिटिक्स जो मार्केटर को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, ये सारे डिसीजन में मार्केटिंग एनालिटिक्स हेल्प करता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, हाउ मार्केटिंग प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व. तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है ह्यूरिस्टिक एंड बेस्ड ऑन डेटा. तो ये ह्यूरिस्टिक जहाँ पे एक्सपीरियंस लोग बैठ के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और एक डेटा चाहिए होता है. तो आपका ऑप्शन ए एंड बी बोथ इज करेक्ट फॉर दिस. मार्केटिंग एनालिटिक्स इज डेटा ड्राइवन. यस, करेक्ट, डेटा पे ही मार्केटिंग को एनालिस्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर, ह्यूरिस्टिक इज डिसीजन मेकिंग बाय द एक्सपीरियंस मार्केटर. उसको हम लोग ह्यूरिस्टिक कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, एक्सेप्ट वन ऑल अदर्स आर फंक्शन ऑफ मार्केटिंग एनालिटिक्स. डिस्क्रिप्टिव होता है, डायग्नोस्टिक होता है, प्रिस्क्रिप्टिव होता है एंड सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव नहीं होता है, यहाँ पे हम एनालाइज कर रहे हैं, एनालाइज करके कुछ कंक्लूजन निकाल रहे हैं. तो दिस ऑल कम अंडर द मार्केटिंग एनालिटिक्स, सब्जेक्टिव इज नॉट. देन क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच मार्केटिंग एनालिटिक्स फंक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन. वॉट टू डू इफ समथिंग इज हैपन. क्या करेंगे इफ कुछ होगा तो. ठीक है, ये मार्केटिंग एनालिटिक्स कैसे, किस बेस पे ये क्वेश्चन है. तो आपका प्रिस्क्रिप्टिव, ठीक है, ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर सेवन, विच मार्केटिंग एनालिटिक्स फंक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग द आंसर फॉर फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाई समथिंग हैज हैपेंड, व्हाई, रीजन जहाँ पे फाइंड करते हैं. दैट मीन्स हम लोग डायग्नोस्टिक करते हैं कि क्यों, क्या रीजन है, व्हाई समथिंग हैज हैपेंड. क्वेश्चन नंबर एट, मार्केटिंग एनालिटिक्स अकर साइमल्टेनियसली विद अदर एक्टिविटी ऑफ मार्केटिंग. यस, मार्केटिंग एनालिटिक्स जो है वो साइमल्टेनियसली अदर एक्टिविटी ऑफ मार्केटिंग के साथ होता है. तो करेक्ट, ट्रू इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर एट, एनालिटिक्स इज एप्लीकेबल ओनली इन. एनालिटिक्स सब में एप्लीकेबल है, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, फिनेंस. सो इट एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर नाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ लीगेसी डॉक्यूमेंट.
So this all are the example: insurance form, medical form, customer correspondence. So correct answer is D. Which of the following, question number 11, which of the following is the source of big data? Big data, that legacy document, cloud, internet of things, so all of the above. Question number 12, blank referred to millions of physical devices around the world that are not connected to internet and all collecting and sharing data is called. मैं फिर से पढ़ रही हूँ. ब्लैंक रिफर्स टू बिलियंस ऑफ फिजिकल डिवाइस अराउंड द वर्ल्ड दैट आर नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कनेक्टेड टू इंटरनेट, दैट मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग इज करेक्ट आंसर. नाउ 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इन्वॉल्व इन मार्केट साइजिंग. मार्केट साइज क्या है ये अच्छे से पढ़ लेना, इससे आएंगे क्वेश्चन. डिफाइन द मार्केट, टारगेट मार्केट, डू मार्केट रिसर्च एंड कैलकुलेट द पोटेंशियल सेल. सो दिस ऑल द मार्केट साइज. हमारा टारगेट मार्केट क्या है, मार्केट रिसर्च कैसे करना है, और पोटेंशियल मार्केट रिसर्च के थ्रू पोटेंशियल सेल क्या होगा या पोटेंशियल मार्केट क्या है वो फाइंड आउट करना. तो ऑल ऑफ द एबव. क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच ऑफ द मार्केटिंग साइज. टॉप डाउन अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच है, साइड एंड साइड इज नॉट द अप्रोच फॉर मार्केटिंग साइज. ब्लैंक इन ब्लैंक अप्रोच द फर्म स्टार्ट विद एस्टिमेशन ऑफ द ओवरऑल मार्केट एंड देन इवेल्युएट द लिमिटेड सक्सेसिव प्रोपोर्शन दैट इट इंटेंड टू रिच. दैट मीन्स कि एक फर्म है जो स्टार्ट करता है वाइडर ओवरऑल मार्केट से, फिर वो नैरो मतलब फिर वो एक लिमिटेड प्रोपोर्शन में आता है. मतलब यहाँ पे आप मैक्रो लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, पूरे मार्केट को से स्टार्ट कर रहे हो कुछ भी एनालाइज करना, एंड फिर आप एक अपने टारगेट जोन पे आते हो. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग टॉप से डाउन आना कहते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन इज ए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, इन ब्लैंक अक्रॉस द फर्म फर्स्ट आइडेंटिफाई द कस्टमर सेगमेंट and it intend to reach and then make the estimate of their size and growth. यहाँ पे आप customer segment, आप पहले ही आप अपना segment कर लो और फिर यहाँ से फिर आप target करो कुछ बड़ा, तो फिर ये आपका ये आप नीचे से आप ऊपर जा रहे हो. ठीक है, आपने पहले छोटे segment को target किया, फिर हम लोग estimate कर रहे हैं कि फिर हम इस segment को करेंगे, इस करेंगे और फिर market बड़ा होगा. तो that is the bottom up approach. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, दी कॉमन सोर्स टू ऑब्टेन दी डेटा फॉर मार्केटिंग साइज इंक्लूड. सो ऑल ऑफ दी एबव दी कॉमन सोर्स टू ऑब्टेन दी डेटा फॉर मार्केटिंग साइज. मार्केटिंग साइज पता करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए जो हम डेटा यूज करते हैं वो कहाँ कहाँ से यूज करते हैं. डेटा माइनिंग, कॉम्पिटेटिव इंटेलिजेंसी एंड मार्केट रिसर्च. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दी एबव. क्वेश्चन नंबर 18, सोशल इन्फ्लुएंसर इंक्लूड. Again, all of the above. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, द बिग डेटा इज जनरेटेड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड डिजिटल सोर्स. ठीक है, बिग जो डेटा है वो जनरेट होता है फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड डिजिटल सोर्स. क्वेश्चन नंबर 20, इन ब्लैंक फॉर्म फर्स्ट आइडेंटिफाई द कस्टमर सेगमेंट इट इंटेंड टू रिच एंड देन मेक एस्टिमेट दी साइज एंड ग्रोथ. ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बॉटम अप मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि सेगमेंट पहले हम कस्टमर सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, जिसको हमको सेल करना है उसको हम टारगेट कर रहे हैं, और फिर हम अपना मार्केट को बड़ा करके बिग साइज फाइंड कर रहे हैं. दैट इज दी बॉटम अप, नीचे से ऊपर जाना. क्वेश्चन नंबर 21, ब्लैंक स्टार्ट बाय लुकिंग एट दी करेंट मार्केट एज अ होल एंड टेकिंग अ मैक्रो व्यू. ये याद रखना, ये आपका मैं पहले क्वेश्चन रीड कर देती हूँ. ब्लैंक स्टार्ट बाय द लुकिंग एट द करेंट मार्केट एज अ होल एंड टेकिंग ए मैक्रो व्यू ऑफ ऑल पोटेंशियल कस्टमर्स एंड रेवेन्यू देन नैरोइंग इट डाउन टू सेक्शन यू रियलिस्टिकली टारगेट. करेक्ट आंसर इज टॉप डाउन. बहुत सारे इसमें आपको हिंट मिल गए होंगे. मार्केट एज ए होल से स्टार्ट कर रहे हैं या मैक्रो व्यू देख रहे हैं हम, ठीक है, पोटेंशियल कस्टमर और रेवेन्यू का.
फिर हम दे उसको नैरो करते हैं, नैरो डाउन करते हैं, सेगमेंट में आते हैं, दैट इज दी टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो, अगर बॉटम अप रहता है तो माइक्रो होता है और टॉप डाउन होता है तो मैक्रो होता है। ठीक है, एम ए इन टॉप डाउन में और एम आई आपका बॉटम अप में, जहाँ पे हम छोटे से स्टार्ट करते हैं, इंटरनल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं ये भी रीड कर देती हूँ। टॉप डाउन एनालिसिस जनरली रिफर टू यूजिंग द कॉम्प्रिहेंसिव फैक्टर एज अ बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। टॉप डाउन अप्रोच सीक टू आइडेंटिफाई द बिग पिक्चर एंड ऑल ऑफ इट्स कंपोनेंट। दिस कंपोनेंट्स आर यूजुअली आर ड्राइविंग फोर्स फॉर द एंड गोल। टॉप डाउन इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द वर्ड मैक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। ब्लैंक इज द प्रैक्टिस ऑफ मेजरिंग, मैनेजिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केटिंग परफॉर्मेंस टू मैक्सिमाइज इट इफेक्टिवनेस एंड ऑप्टिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो करेक्ट आंसर इज मार्केट एनालिटिक्स। मार्केट एनालिटिक्स मार्केटर करते हैं, प्रैक्टिस है ये ऑफ मेजरिंग, मैनेजिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केटिंग परफॉर्मेंस का। ठीक है, इस मार्केटिंग एनालिटिक्स में हम मेजर करते हैं, मैनेज करते हैं, एनालाइज करते हैं कि हम जो भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग टीम कर रहा है वो कितना इफेक्टिवनेस है और क्या ऑप्टिमम करते हैं हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई। तो दैट इज द करेक्ट आंसर इज ए मार्केटिंग एनालिटिक्स। क्वेश्चन नंबर 23। विच वन इज नॉट द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग एनालिटिक्स। यहाँ पे क्वेश्चन आया है आपका एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग एनालिटिक्स से, तो क्या क्या एडवांटेज है। ग्रैनुलर सेगमेंटेशन इज एडवांटेज फॉर मार्केटिंग एनालिटिक्स, जहाँ पे आप जैसे आप अमेजोन पे आपने कुछ सर्च किया तो अमेजोन आपके का जो भी चॉइस है उसको समझ में आ गया, उसके उससे रिलेटेड आपको थिंग्स ला के देता है, डिस्प्ले में लगाता है। जैसे आप कोई बुक सर्च कर रहे हो तो उससे रिलेटेड आपको बुक आपको शो करेगा। टेलरोट मैसेजिंग, मल्टी चैनल कस्टमर व्यू, सो ये सारा जो है आपका एडवांटेज है मार्केटिंग एनालिटिक्स का। पर इम्प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, दिस इज डिसएडवांटेज, यहाँ पे हम इम्प्रॉपर इंटरप्रिटेट कर लेते हैं डेटा बिकॉज ऑफ मार्केटिंग एनालिटिक्स, तो ये आपका पूरा मार्केटिंग का डिसीजन रॉन्ग हो जाता है। सो दिस इज द डिसएडवांटेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। द टू मेजर टाइप ऑफ सेकेंडरी डेटा सोर्स आर इंटरनल डेटा एंड एक्सटर्नल डेटा। सेकेंडरी डेटा आप कहाँ से निकाल सकते हो, या तो आप इंटरनल कंपनी के डेटा से निकाल सकते हो या फिर एक्सटर्नल डेटा आप ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25। डेटा माइनिंग इज ब्लैंक। डेटा माइनिंग क्या है। द प्रोसेस बाय विच द कंपनी एक्सट्रैक्ट द कंज्यूमर बिहेवियरल पैटर्न फ्रॉम एनालाइजिंग द ह्यूज डेटा कंटेनिंग इंटरनली एंड एक्सटर्नली जनरेटेड डेटा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 26। द नंबर ऑफ पीपल लाइकली टू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस इज डिफाइंड एज द मार्केट साइज। मार्केट साइज क्या है, जहाँ पे नंबर ऑफ पीपल लाइकली टू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, दैट इज द मार्केट साइज, इसको मार्केट स्कोप भी बोलते हैं। ठीक है, एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ मार्केट साइज इज इम्पॉर्टेंट। यस, एक्यूरेट एस्टिमेशन अपने मार्केट साइज का करना इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उस पर बहुत सारे डिसीजन बेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। द प्राइमरी स्टेक होल्डर इन आर टिपिकल कॉरपोरेशन आर इट्स। आपके स्टेक होल्डर क्या हैं और स्टेक होल्डर कौन है। जो स्टेक होल्डर उनको कहते हैं जो कंपनी से या ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक रहते हैं, जिनका इफेक्ट उन पर आता है। ठीक है, अगर तो जैसे कंपनी में कुछ भी चेंजेस हुआ तो उनका इफेक्ट आएगा या उनका इंटरेस्ट है कंपनी में, तो वो सारे लोग स्टेक होल्डर हैं। ठीक है, इन्वेस्टर, इम्प्लॉयज, कस्टमर, सप्लायर्स, ऑल ऑफ द एवर। क्वेश्चन नंबर 29। मार्केट साइज मींस, मार्केट साइज मींस स्कोप ऑफ मार्केटिंग और पोटेंशियल ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कौन है, तो कस्टमर इज दी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये स्पेशली ये चैनल कॉमर्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए है। ठीक है,
और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मुझे जो फीडबैक मिला है उसमें और जो मैं क्लासेस लेती हूँ उसमें तो बच्चे बोल रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।